हाँ जी भैया, ये क्लैप ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन के अलग अलग माइक। हाँ जी भैया, तो सीन्स कुछ यूँ है कि जब से मैंने होश संभाला है और हॉलीवुड मूवीज देखना स्टार्ट किया है, तो तब से व्हाट आई रियलाइज इज कि दुनिया में कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो कहते हैं ना वो ड्रीम लोकेशंस, हाँ वही, तो वही बन गई हैं। अब उसमें चाहे पेरिस का आइफिल टावर हो, यूएसए का स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो, इंडिया का ताजमहल हो, तो इन सब जगह इस एज में जाना यू नो, लेकिन वो कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ रहा है। So hello, bonjour, hola and welcome to my YouTube channel guys. Today's vlog is gonna be different sort of vlog because aaj ke vlog mein I'm gonna be traveling to 7 different countries in just 50 rupees. Sounds interesting na? So just sit and enjoy. So vlog start karne se pehle baat yaad hai ki bhaiya itne time se the kahan pe? Ab main rehta hu Delhi mein aur Delhi mein traffic rules bahut zyada strict hain. So bhaiya drive karte maine vlog kiya aur police ne dekh liya na. To you know, you better know. So let me just reach the station and then उसके बाद हम लोग सुकून से बाहर बैठ के बात करने से बेटर है कि अपने रूम में चिरचिर करने वाली कुर्सी पर बैठकर। हाथ में चाय का कप लेकर, खाली चाय का कप है, चाय नहीं, बात करी जाए। हाँ जी शाहजीनों की दिल्ली में इलेक्शंस का माहौल है और लास्ट व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो काम बहुत ज्यादा है। सेकेंडली आई रन अ क्रिएटिव एजेंसी जिसके बारे में आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। थर्डली मैं बीटेक कर रहा हूं। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। The location I'm here is the Phase 2 Wonders Park. So basically, ये है सराय गालिबा के पास है ये water park sort of, और it's a very cool place. अंदर चलते हैं, I'm gonna be showing you कि भाई अंदर है क्या क्या. Enjoy. So it's the entry of the park, और entry is just for 50 rupees. For a single person, so cinematics enjoy करो। So the first location हम लोग जा रहे हैं, the first country is Egypt. Egypt में होता है एक giant pyramid of Giza है, तो मैं भी showing you that. So just take a look at that. सो एक्चुअली थिंग इज कि जितने भी बने हुए हैं सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे, ये सब सारे टोटली वेस्ट से बने हुए, लाइक दिस वन इज मेड ऑफ आयरन, जो एंगल आयरन होता है जो घर में लगता है, सो ये बेसिकली उसी से बना हुआ है। एंड जस्ट टेक अ लुक एट हाउस क्रिएटिव इट इज, मींस आई रियली लाइक द कंटेंट की भाई इतना कूल इन लोग ने सब वेस्ट। एंड जस्ट चेक आउट द टॉप, so it's I just really like this content. Let's move to the next country. So the next country we are here is the Italy. It's the Leaning Tower of Pisa. Check this thing out. So this was Leaning Tower of Pisa. Let's move to the next country. Basically इसमें इटले में और उस कंट्री के बीच डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 1430 किलोमीटर्स, बट वी आर गोना कवर इट इन जस्ट 14 मीटर्स। एंड दिस कंट्री इज माई फेवरेट, होप यू गाइस विल लाइक दैट। जस्ट चेक दिस थिंग आउट। So that was Eiffel Tower. Let's move to the next country, that is Rome. Rome में एक जगह है कोलोसियम,
It's approximately 1400 kilometers away from the Eiffel Tower. लेकिन अपन लोग सिर्फ उसको सिर्फ 3 मिनट में कवर करेंगे. देख रहे हो, एंजॉय द सिनेमैटिक व्यू. सो व्हाट फाउंडर्स के इन लोग ने बहुत सारी चीजें सब वेस्ट लगा रखी है, और उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि कार स्पेयर पार्ट्स, रिम्स, एंड दिस इज द शीट मेटल्स ऑफ ट्रक, एंड दिस इज दिस स्क्वायर पाइप्स फ्रॉम पार्क बेंच. सो बेसिकली द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये सारे के सारे जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट से बने हुए हैं, और अगर आप देखोगे हर उस पे मॉन्यूमेंट के स्टार्टिंग में उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, और उसमें सब लिखा हुआ है कि क्या क्या पार्ट्स में यूज़ करे गए हैं. सो इट्स अ कूल प्लेस यार, रियली कूल प्लेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉन्यूमेंट. ओके, सो द नेक्स्ट इज द ओनली थिंग दैट आई वाज वेटिंग टू शो यू गाइस, दैट इज द ताजमहल. सो दिस वॉज ताजमहल, बहुत कूल बना रखा है यार. एक्चुअली हम मतलब इसके पास नहीं आ सकते वहाँ पे, वरना मैं आई एम शोइंग यू कि भाई इन्होंने क्या क्या यूज़ कर रखा है एक्चुअल में. तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं, बट यू नो अलाउड नहीं है, अंदर जा नहीं सकते. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉन्यूमेंट. सो एज अ प्लेस सजेस्ट, इट्स वेस्ट टू वंडर्स, यानी कि सारे वेस्ट से मिला के लोग ने कुछ वंडर्स बना रखे हैं जो आप ऑलरेडी देख रहे हो. सो द नेक्स्ट इज रेडीमर रियो, इट्स इन ब्राज़ील, इंडिया से ब्राज़ील जस्ट 2 मिनट्स में. तो इसके भी सिनेमैटिक एंजॉय करो. सो दैट वाज ब्राज़ील. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंट्री, आई थिंक इट्स यूएसए. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सी तो इतना कंट्रीज घूमने के बाद ना आपको प्यास डेफिनेट लगने वाली है, उसका भी इंतजार है. डूड चेक दिस थिंग आउट, एक यहाँ से पानी पियो और ये सारा पानी यहाँ से होते होते पेड़ में चला जाएगा. इट्स अ कूल कॉन्सेप्ट. सो फाइनली फाउंड अ प्लेस टू सिट एंड दैट इज ओवर देयर. सो लेट्स सिट एंड हैव वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन. सो इट्स अ कूल प्लेस एक्चुअली, फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ आने के लिए बहुत कूल प्लेस है. एंड अगर आप लोग ने पढ़ी है ना बुक अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, सो डूड हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है बिकॉज इट्स 120 राइट नाउ, और हम लोग आए थे 12 समथिंग पे. इतनी सी देर में वी जस्ट रोम ऑल मॉन्यूमेंट्स. सो मेरा ना एक ड्रीम था कि अपने व्लॉग को मैं आईफिल टावर के सामने एंड करूँ, तो आज ये ख्वाब भी काइंड ऑफ पूरा कर लेते हैं. सो वेल दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो गाइस, होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस स्वीट एंड सिंपल व्लॉग. व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन गुड बाय, अलोरा, अलविदा, अल्लाह हाफिज. चौथा टेक यार, ये रिपीट नहीं हो रहा था. बाय. व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो डूड. I'll see you in the next hotel, then goodbye. Hello, good. Hi.